नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने जितना भी पढ़ा है एज ए होल में उसको आपको समराइज करके विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ये एग्जांपल्स बहुत क्रूशियल इन कैटेगरीज में एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को जरूर आपने अच्छे से देख लेना है। पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपको इस लेक्चर को आगे देखना है। आपको अपने डाउट्स जो भी होंगे पॉइंट बाय पॉइंट जो है क्लियर होते जाएंगे। तो अब आप आगे देखें, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ किए हैं। वन बाय वन में इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपके साथ डिस्कस कर, वन बाय वन आपको इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ। आपको सारे लेक्चर भी रिवाइज हो जाएंगे और ये जितने भी टाइप के कैटेगरीज के एग्जांपल्स आ रहे हैं इनसे आपका नॉलेज जो है इनरिच हो जाएगा डेफिनेटली। तो आप इसको देखते जाएं। देखिए ये पहला एग्जांपल है, ये कंपाउंड जो है बेंजीन के साथ दो मिथाइल है ना। ये जो दो मिथाइल्स है इसको क्या कह सकते हैं, इसको 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, ये ज़ाइरीन भी इसका नाम है, ये दो इसके नाम है, है ना। ये मॉलिक्यूल जो है, अगर मैं कहूं कि क्या ये कंपाउंड स्टीरियोमर है, क्या इसमें कोई आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी पैदा हो सकती है, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। तो देखिए बेंजीन रिंग के कारण अगर आप इन दोनों सेंटर्स को माने कि यहां पे कोई एसिमेट्रिक सेंटर हो सकता है, तो देखिए इसमें चार वैलेंसीज कौन कौन है। एक वैलेंसी तो CH3 है, ये तो आपको पता चल गया। दूसरी वैलेंसी ये है और थर्ड वैलेंसी ये है। देखिए थर्ड वैलेंसी ये आ रही है, यहां से इस कार्बन के पास जो चार वैलेंसी है उसमें से एक तो मिथाइल है, ये तो डिफरेंट है ही। दूसरी ये जो यहां से ऐसे ग्रुप आ रहा है ये दूसरी वैलेंसी है, थर्ड वैलेंसी ये है और फोर्थ वैलेंसी ये है। देखिए थर्ड वैलेंसी फोर्थ वैलेंसी दोनों वैलेंसी सेम है, थर्ड एंड फोर्थ वैलेंसीज आर सेम, इसका मतलब ये सेंटर एसिमेट्रिक नहीं होगा। और चूंकि ये एसिमेट्रिक नहीं होगा इसलिए ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। इसलिए इस केस को आपने यहां पे समझ लिया, इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे ये जो बेंजीन के जो 6 pi इलेक्ट्रॉन थे, अब ये 6 pi इलेक्ट्रॉन हमने उड़ा दिए और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया किस चीज में बच्चों, ये कंपाउंड अब बन चुका है साइक्लोहेक्सेन और उसके डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन पहली और तीसरी पोजिशन में मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम आप 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम आपने ये बोला। अब देखें इसके बाद आपको दो सेंटर यहां पे ऐसे दिख रहे होंगे जिन दोनों सेंटर पे आप एसिमेट्रिक कार्बन होने की के लिए चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है साइक्लोहेक्सेन जो होता है बच्चों, वो साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन CH2 होता है, CH2, 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 ठीक है ना। अब चूंकि हर कार्बन CH2 है तो ये सारे पॉइंट तो जो है एक जैसे, मतलब एसिमेट्रिक हो नहीं सकते क्योंकि दो वैलेंसी सेम है ना। इन पॉइंटों को तो आप एसिमेट्रिक बोल नहीं सकते, मगर इन दोनों पॉइंट में, फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट में, देखिए पहले पॉइंट को ही केवल मैं बना रहा हूं तो आप थर्ड भी समझ जाओगे। फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट को आप अगर देखें, फर्स्ट पॉइंट को अगर आप देखें तो इस कार्बन पे एक वैलेंसी तो ये जुड़ी हुई है, दूसरी वैलेंसी ये जुड़ी हुई है, एक वैलेंसी ये, एक वैलेंसी ये, दो वैलेंसी, एक वैलेंसी बच्चों इसकी CH3 है
और एक वैलेंसी जो नहीं दिखाई दे रही है वो आपको पता है वो हाइड्रोजन होगा। तो इसलिए इस पे जुड़ी हुई चारों की चारों वैलेंसीज कैसी वैलेंसी हैं, चारों वैलेंसी कैसी हैं इसकी, अलग अलग हैं। इसलिए ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा और इसके बहुत सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इसके बहुत सारे स्टीरियोमर पॉसिबल हैं। अगर मैं पूछूं कितने स्टीरियोमर पॉसिबल हैं तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे दो एसिमेट्रिक सेंटर हैं। जब दो एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं तो फॉर्मूला 2^n का मतलब हो जाता है 4। इसके कितने एसिमेट्रिक सेंटर होंगे, 4। चार एसिमेट्रिक स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। अब ये चार स्टीरियो आइसोमर कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए अगर कार्बन 1 की बात की जाए तो एक बार तो CH3 आगे आ सकता है, हाइड्रोजन पीछे जा सकता है, पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा, सेकंड केस। तो ये दो तो इससे डेवलप हुए, इस वाले सेंटर से, इसी तरीके से दो इससे भी डेवलप होंगे, तो टोटल मिलाकर के 4 आइसोमर्स इसके पॉसिबल हो जाएंगे। तो ये 4 आइसोमर्स आप इसके बच्चों बना सकते हो। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव और इसके 4 फॉर्म हो जाएंगे, 2 एनेंसियोमेरिक पेयर बन जाएंगे, 2 एनेंसियोमेरिक पेयर बन जाएंगे और डायस्टीरियोमर्स तो आप कितने भी निकाल सकते हो इसके अंदर, है ना। इसके बाद ये वाला है, ये क्या है, मोनोमिथाइल। एक इसमें देखो डाई मिथाइल था, इसमें केवल एक ही मिथाइल है, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अगर मैं इसको बोल रहा हूं तो ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैसा हो जाएगा, ये भी एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। देखिए कैसे, अच्छा इस चीज को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो ये जो कार्बन है इस वाले पॉइंट को हम मान के चल रहे हैं कि एसिमेट्रिक है, इसमें एक वैलेंसी तो अगेन CH3 हो गई, दूसरी वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन हो गई, थर्ड वैलेंसी ये हो गई, फोर्थ वैलेंसी ये हो गई, है ना। अच्छा ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल सही बात है। और क्या ये भी अलग है, ये दोनों एक दूसरे की तरह है या अलग है, तो आंसर आएगा ये वैलेंसी भी वही है, ये वाली वैलेंसी भी वही है, मतलब थर्ड और फोर्थ वैलेंसी में जिसको कह रहा हूं वो दोनों सेम वैलेंसी, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए ये दोनों वैलेंसी के सेम होने के कारण ये वाला कंपाउंड एसिमेट्रिक नहीं रह जाएगा, ये सेंटर एसिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने समझ लिया कैसे ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, क्योंकि यहां पे कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। ओके, ये हमने थर्ड एग्जांपल डिस्कस किया। फोर्थ एग्जांपल में मैंने अगेन फिर देखिए 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल आपके सामने लिया है। सेम इसकी तरह उसमें भी दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकते हैं, पर आप जब इस कंपाउंड को देखेंगे और आप पुराना रूल समझेंगे तो यहां पे एक ऐसा सेंटर से होते हुए जाता हुआ एक प्लेन, मतलब एक ऐसा सेंटर पॉसिबल है जो इस मॉलिक्यूल को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करेगा। कौन सा पॉइंट आ गया यहाँ पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसलिए ये मॉलिक्यूल जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कभी एग्जाम में आ जाए कि भाई इस वाले के लिए आर या एस नॉमेनक्लेचर ढूंढो, तो आप इस चीज में नहीं पढ़ेंगे कि आप इसको आर ढूंढेंगे या एस ढूंढेंगे, क्योंकि आर या एस फॉर्म तो आपको तब पता चलेगी जब ग्रुप्स की पोजीशंस पता रहेगी। आप इस कंपाउंड को लिख के सीधा दिखाएंगे सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। जो एक्सप्लेनेशन यहां दिया देखिए सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए, इसमें ये एक ऐसा प्लेन पॉसिबल है, प्लेन जो कि इस मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में बांटेगा जो एक दूसरे के ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले बराबर हाफ है इसलिए ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर इस एग्जांपल की बात करूं और इस प्लेन को देखूं तो ये क्या ये एक ऐसा प्लेन है जो इसको दोनों को एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल फॉर्म में, नहीं, यहाँ पे ये फर्स्ट पोजिशन में है, देखिए फर्स्ट पोजीशन में, यहां पे ये थर्ड पोजीशन में। ये कंपाउंड ऐसा है, ये कंपाउंड ऐसा है,
इसमें एक ग्रुप OH है और यहाँ पे दूसरा ग्रुप OH है, इसको अगर मैं तोड़ भी देता हूँ और इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर रखता भी हूँ तो ये मॉलिक्यूल, ये OH यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे इसके ऊपर रखते समय ये OH यहाँ आएगा, जो कि सुपर इम्पोज कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। इसलिए ये वाला एग्जाम्पल जो है ये एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं इन कंपाउंड को आप बोलते हैं बाइफिनाइल्स, बाइफिनाइल्स, ठीक है बच्चों? ओके, कुछ और एग्जाम्पल बच्चों देख लेते हैं। ये तीन स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर लिए आपके लिए। ये दोनों एग्जाम्पल्स एक दूसरे के तरह हैं, आप देख सकते हो चारों भी चारों वैलेंसी सेम है। हम लोगों को इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर ये पता करना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर हैं, है ना, ये चीज हमें पता करना है। तो इस चीज को चेक करें, क्योंकि ये तो एक एक ही सेंटर वाला कंपाउंड है, एक ही एसिमेट्रिक सेंटर वाला है, इसलिए इसकी दो फॉर्म पॉसिबल है। 2^1 का मतलब 2, इसकी दो स्टीरियोजेनिक स्टीरियोमरिक फॉर्म्स पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये डेक्स्ट्रोमर हुआ तो इसकी एक लिवोमर फॉर्म भी पॉसिबल है। पर हम ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर ये डी है तो ये एल फॉर्म पॉसिबल है, या फिर ये आर है तो ये एस फॉर्म है। इस बात को हम लोग पूछ रहे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर हैं, इस पॉइंट को इन्वेस्टिगेट बच्चों हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट को जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल को अलग अलग लेकर के डिस्कस करेंगे। मैंने पहले इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया और मैंने आपको कहा था इस वेज एंड शेड मॉडल को हमें पहले टू डायमेंशनल फिगर में चेंज करना है, हमें इसको टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज करना है। तो मैं इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया था, जो आगे जो ग्रुप दिखाई पड़ रहा था उसको घुमा करके अपने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया था। जब मैंने इसको घुमा करके अपने लेफ्ट हैंड साइड में एच की तरह ऐसे लिखा तो इसका मतलब इसके अपोजिट में ये शेड वाला ग्रुप था, मतलब OH को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये H और ये OH। इसके बाद देखिए इसको मैं यहाँ लेकर के आया तो ये NH2 बच्चों यहाँ आ गया, और इसके अपोजिट कौन चले जाएगा, COOH। ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अल्फा अमीनो एसिड है, जिसका नाम आप चाहें तो आप समझ सकते हो IUPAC नेम, आप इसके दो कार्बन की चेन है, इसको आप इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं, और जिसमें कि सेकंड पोजीशन में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप है, ऐसे चाहें तो आप इसकी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इसका एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन फाइंड आउट करना है, तो आपको इनको प्रायोरिटीज देनी है। प्रायोरिटीज हम कैसे देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि O है, इसको सेकंड, इसको फोर्थ प्रायोरिटी क्योंकि इसमें सबसे लोएस्ट एटम है, इन दोनों में इसको इसके ऊपर प्रायोरिटी और इसको इसके बाद प्रायोरिटी, ऐसे प्रायोरिटी हम देते हैं, आप लोगों को ये पता है। ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन और सबसे कम में हाइड्रोजन आ रहा है, इसलिए हमने प्रायोरिटी ऐसे दी है। तो मैंने इस कंपाउंड को अब कन्वर्ट कर दिया है बच्चों 1, 3, 4, 2 में, और हमने इसको फिर कन्वर्ट करना है अगेन, जिसमें फोर्थ पोजीशन को नीचे लेके आना है, फोर्थ को नीचे लाएंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, और मॉलिक्यूल को पूरा रोटेट करने के लिए हमने 1 और 3 को ऐसे अरेंज कर लिया। ये जो स्ट्रक्चर अब हमने बनाया इसको हमने स्टीयरिंग मॉडल पे लेके गए, और स्टीयरिंग मॉडल में हमने ये जो फोर्थ वाली थी इसको छोड़ दिया, 2, 1, 3, 2, 1, 3। इस तरीके से जब हमने देखा तो हमारी आईज कैसे ट्रेवल करेंगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये एक एस कंपाउंड निकला, ये एक एस अमीनो एसिड निकला, तो यहां से हमने इसका नाम के आगे एस लगा दिया, इसको हमें पता चल गया। इसके बाद बच्चों अगला एग्जांपल ये वाला, इसको देखिए कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने यहां से हाइड्रोजन को यहां लेके आया तो NH2 इसके पीछे चले गया, NH2, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आ गया और COH ग्रुप ऐसे आ गया। अभी आप लोगों ने समझा ये हमने कैसे कन्वर्जन किया, है ना। इस कन्वर्जन के बाद आप लोग देखें प्रायोरिटीज हम कैसे देंगे, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी देंगे, है ना। इसको प्रायोरिटीज कैसे दी गई हमारी, 1, 2, 3, 4 प्रायोरिटीज देने के बाद हम लोगों को क्या करना है,
इसमें फोर्थ वाले ग्रुप को सबसे नीचे लेके आना है, तो इस तरीके से हमने टोटल मॉलिक्यूल को रोटेट कर लिया, इसको इधर और इसको इधर। रोटेट करने के बाद हमने इसका नेक्स्ट मॉडल जो है स्टेरिंग वाला मॉडल आपको समझाया गया है, जो स्टेरिंग का मॉडल इस तरीके से स्टेरिंग में बनाया, फोर्थ वाली पोजिशन को नेग्लेक्ट कर लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल ऐसे दिखने लगा, जो कि हम अगर देखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज। इसमें आई कैसे ट्रेवल करेंगी, क्लॉकवाइज। तो बच्चों ये वाला कंपाउंड क्या निकल गया, हमारा आर निकल गया, ठीक है। फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या था, एस था, सेकंड वाला कंपाउंड क्या था, आर था। तो आर और एस एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए, ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियोमर हो गए। कहने का मतलब ये दोनों एक ही कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ये ड्राइव करके बताया, निकाल के बताया, मगर आप लोगों को धीरे धीरे करते करते इस बात में भी एक्सपर्टीज आ जानी चाहिए कि देखिए केवल मैंने एक यहाँ पे एक ग्रुप को चेंज किया है, केवल इसकी जगह ये और इसकी जगह ये लेके आया हूं, मतलब मैंने हाफ मॉलिक्यूल रोटेट किया है, ठीक है ना। यही दोनों तो चेंज हुए, ये दोनों तो अपनी जगह में, तो जब आधा ही मॉलिक्यूल मैंने चेंज किया है तो पक्की बात है कि अगर ये आर रहा होगा तो ये एस बन गया होगा, और अगर ये एस रहा होगा तो ये आर बन गया होगा। आपको अब यही से समझ जाना पड़ेगा बच्चों, आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि आर दीज एनेंसियोमर्स, क्या ये एनेंसियोमेरिक पेयर है, मैंने ये नहीं पूछा था कि ये आर है या ये एस है, मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो जब मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा तो आपको इसको ड्राइव करने तक का भी टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको यही से देख के पता कर लेना है कि ठीक है। इसके बाद का जो थर्ड वाला एग्जांपल है हमारा, इस थर्ड वाले एग्जांपल को थोड़ा सा और क्लेवरली डिजाइन किया गया है। इसमें हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ये इस कंपाउंड के कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है ना, हम पूछ रहे हैं कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। तो बच्चों इसमें एक एसिमेट्रिक सेंटर तो हमें पता चल रहा है, ठीक है, हमें इसमें एसिमेट्रिक सेंटर पता चल रहा है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक ग्रुप OH, एक ग्रुप NH2 रहा होगा, एक हाइड्रोजन और एक पूरा ग्रुप ये रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो इससे जुड़े हुए चारों के चारों ग्रुप्स क्या हैं, ABCD अलग अलग हैं, इसलिए यह सेंटर क्या है, एक एसिमेट्रिक सेंटर है। इसका मतलब एक सेंटर के कारण 2^1 मतलब 2 आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स है, 2 आइसोमर्स है, ठीक है ना। क्या इसके अलावा और कोई एसिमेट्रिक सेंटर है इसमें, नहीं। क्या हमारे कोई और ऐसा सेंटर दिख रहा है जहां पे कि चारों वैलेंसीज अलग अलग है, नहीं। मगर क्या इसका आंसर 2 हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर 2 नहीं है, ये हाफ आंसर आपने बताया, ठीक है। क्योंकि इस सेंटर, इस स्टीरियोजेनिक सेंटर के कारण तो 2 आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं, मगर यहाँ पे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर और है। देखिए ये जो आपने सेंटर बनाया हुआ है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड पूरा कैसे रहा होगा, देखिए इस वाली पोजीशन में एक हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ पे जो कार्बन है इसमें इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन रहा होगा, और ये जो बचा हुआ है, इसके बाद जो ये बचा हुआ ग्रुप है जहाँ पे एक ऐसे करके ग्रुप बचा हुआ है जिसमें कि ये H और NH2 भी लगे हुए हैं बाद में, ये जो इसके बीच में कितने भी लंबी चेन हो सकती है, वैसे एक कार्बन एक डॉट लगाया हुआ तो एक कार्बन दिखा रहा है, ये यहाँ पे एक कार्बन है, मतलब ये एक CH2 ग्रुप यहाँ पे दिखा रहा है, अदरवाइज ये कितने भी लंबी चेन हो सकती थी। आपका कंपाउंड ऐसा है, ठीक है, इसके कारण 2 आइसोमर हो सकते हैं, R और S फॉर्म, और इसके कारण 2 फॉर्म हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सेंटर है 2^1, इसका मतलब 2 फॉर्म्स इसकी भी पॉसिबल है, जिन्हें हम E और Z नोमेनक्लेचर सिस्टम से जानते हैं, जो कि हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा। देखिए बच्चों ये हमारा अब क्या हो गया, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का केस हो गया। इस केस को अगर हम डिस्कस करें तो आपको पता है इनको प्रायोरिटी दी जाती है, इन ग्रुप्स को, इसमें फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये बल्कियर ग्रुप है, यहाँ पे 2 कार्बन एक साथ है, और यहाँ पे इसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी, जबकि इसमें ये ग्रेटर प्रायोरिटी और इसको लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी देने के लिए कौन से रूल फॉलो करते हैं, इनके केस में ईजेड नॉमिनेटर सिस्टम के जो है इनमें भी सीक्वेंस रूल फॉलो करते हैं,
ठीक है ना, सीक्वेंस रूल। तो यहाँ पे अब ये कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, देखिए 2-1-1-2 ये हमारा मॉलिक्यूल ऐसा हो गया। अब हमारे मॉलिक्यूल को हम जानते हैं कि जब हाईएस्ट प्रायोरिटी की चीजें एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हम उसको ई फॉर्म से जानते हैं, ई फॉर्म। तो ये कंपाउंड का जो भी नाम होगा उसमें एक जगह ई आएगा या फिर जेड आएगा, ई या जेड आएगा इसके कारण, और इसके कारण आर या एस आएगा। इसका मतलब टोटल इसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 2 to the power 2, जिसके कारण 4 फॉर्म इसकी पॉसिबल है, 2 फॉर्म इसके कारण, 2 फॉर्म इसके कारण। ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का सेंटर है, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स का सेंटर है, और इस तरीके से आप इन लोगों इनको आगे बढ़ाएंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोगों ने आरएस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को ठीक से समझा, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके ऊपर देखे। अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ आर एंड एस सिस्टम, ठीक है ना, आर एंड एस सिस्टम की एप्लीकेशन हम लोगों को डिस्कस करनी है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अभी तक पढ़ते पढ़ते तो आपको चीजें समझ में आई गई हैं कि ये एक नॉमेनक्लेचर का एब्सोल्यूट सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी से रिलेशन करके नहीं बनाया गया है, एग्जैक्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप आर और एस सिस्टम जो था, आर एस सिस्टम से एग्जैक्ट उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कैसे कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल में, उसी के नाम के हिसाब से उसको लिख रहे थे, है ना। आप लोगों ने पूरा सिस्टम देखा, तो ये तो अपने आप में एक एप्लीकेशन है ही कि किसी कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन को नाम देना, नॉमेनक्लेचर करना, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बताया था, अगेन वही वाली बात कि आपके पास एक कंपाउंड है, आप इसका आईयूपीएससी नेम तो लिख सकते हैं, मगर आपको एसिमेट्रिक सेंटर होने के कारण, स्टीरियोमेरिक सेंटर होने के कारण आपको इसको इसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी लिखना है, और वो कॉन्फ़िगरेशन आपको आर या एस की हेल्प से ही लिख सकते हो आप, क्योंकि इससे पुराना जो सिस्टम डी और एल था वो कुछ ही केसेस के लिए एप्लीकेबल था, और ये सब के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए एक तो सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी क्या होगी, टू गिव एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशनल नेमिंग ऑफ स्टीरियोमर्स, ठीक है ना। इसका इसकी एक एप्लीकेशन तो क्या हो गया, गिव एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशनल नेमिंग ऑफ स्टीरियोमर्स। जब हम कह रहे हैं स्टीरियोमर्स तो हम इसमें ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल दोनों तरीके के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को कह रहे हैं। देखिए ईजेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम के लिए भी आपने सीक्वेंस रूल फॉलो किया था, तो उसके कारण आरएस नॉमेनक्लेचर बोले या फिर उसी के पैरेलल ईजेड बोले, ये दोनों सिस्टम एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशनल नेमिंग के लिए बनाए गए थे, ठीक है ना। इसमें ऑप्टिकल वाले कंपाउंड भी आएंगे, ज्योमेट्रिकल वाले कंपाउंड भी आएंगे, तो ये तो एक पहली और सबसे जरूरी एप्लीकेशन थी बच्चों की। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इससे आपको एक दो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मिथाइल ग्रुप बनाया है मैंने कार्बन के अराउंड, ये इथाइल बनाया है, ये प्रोपाइल बनाया है, ठीक है ना, और इसके अलावा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने ये बनाया है। ये हमारे पास एक टर्शरी अल्कोहल है बच्चों, ये टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी जहां पे कि कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन ना जुड़ा हो उसे टर्शरी कहते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल का ये केस है, इसमें 3 ग्रुप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तीनों के तीनों ग्रुप किस तरीके के ग्रुप हैं, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ठीक है ना। इनको इनसे इंडक्टिव इफेक्ट पैदा होता है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं आती, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को प्राइमरी क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में भी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जब पढ़ाया होगा तो आपको ये वाले ग्रुप्स के बारे में बताया गया होगा कि ये सपोर्टिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इनके कारण इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं आती, इलेक्ट्रॉन रिच बना हुआ रहता है, ठीक है, ये बात आप लोगों को पता। ये हमने जो एक एग्जाम्पल बनाया इसमें ये जो सेंटर है बच्चों, ये एक
एसिमेट्रिक सेंटर भी, इस पॉइंट को भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि चारों के चारों ग्रुप अलग अलग है एसिमेट्रिक। अच्छा, इस कंपाउंड को जब हम लोग ऐसे, इस कंपाउंड को जब हमने इसको किसी पोलर सॉल्यूशन में रखा होगा, पोलर सॉल्यूशन में रखा होगा, ठीक है ना, जब हमने किसी पोलर सॉल्यूशन में रखा होगा और खास तौर से जब उसमें एसिडिक मीडियम रहा होगा, मतलब एसिडिक मीडियम में अगर ये कंपाउंड रखा जाए, तो एसिडिक मीडियम में इस एच पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप यहां से निकल सकता है, ये ग्रुप ऐसे करके टूट सकता है और ये इसके साथ वाटर के साथ इंगेज हो सकता है। कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल रखे रखे इथाइल प्रोपाइल इस तरीके से एक कार्बोकैटायन बना सकता है ना? अगर ऐसे कंपाउंड को, ऐसे टर्शियरी अल्कोहल्स को आप पोलर एसिडिक मीडियम के सॉल्यूशंस में रखेंगे तो ये कंपाउंड अपने आप ही इस मीडियम के कारण हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिलीज करके एक कार्बोकैटायन बना सकता है। और ये कार्बोकैटायन किस तरीके का है, देखिए ये कार्बोकैटायन जो है, इस कार्बोकैटायन में अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है ना, मगर ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये तो एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है ना। इस मॉलिक्यूल को वापस जब इसमें, और कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वापस इससे निकल करके इसमें जुड़ जाएगा, तो वापस ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा इसमें जुड़ेगा। कहने का मेरा मतलब है कि मीडियम के कारण हाइड्रोक्सिल ग्रुप इससे टूटता और जुड़ता रहेगा, ठीक है ना। इस टूटने और जुड़ने के प्रोसेस में दो इवेंट्स इसमें पॉसिबल है बच्चों। एक इवेंट ऐसा है कि जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप गया तो ये किसी पोजीशन में था। देखिए, अब मैं अगर इसको आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो आप इस कंपाउंड को देखिए, इस सेंटर के अराउंड हो सकता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे था, हो सकता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले केस में इस तरीके से ओरिएंट था, है ना। तो इस तरीके से ओरिएंट होने के बाद ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप टूट गया, और टूटने के बाद जब ये वापस उस कार्बोकैटायन में जुड़ने के लिए आया तो जरूरी नहीं है कि इसको ये वेज वाली पोजीशन ही मिली होगी जुड़ने के लिए, ये तो किसी भी तरफ से अटैक कर सकता है। मतलब ये जो कार्बोकैटायन है, अगर ये एक प्लेनर आयन है तो इस प्लेनर आयन में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैक किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो ये अबव द प्लेन अटैक कर सकता है या फिर ये बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है, ठीक है ना। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैक इस कार्बोकैटायन में दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो एक बार चांस है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर से जुड़ा हो जहां से निकला था, और एक बार चांस है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर से जुड़ा हो जिधर से नहीं निकला हो। कहने का मतलब एक बार चांसेस है कि इसका अरेंजमेंट बदल जाए, ठीक है बच्चों। इसका मतलब जुड़ते समय देखिए ये क्या हुआ, हमारे पास जो ये कंपाउंड था, ये एक ऐसा कंपाउंड था जिसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन के केस के सॉल्यूशन में होने के कारण निकल गया। निकलने के बाद एक कार्बोकैटायन बना, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये एक प्लेनर आयनिक इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट ने दोबारा से उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अपने पे ज्वाइन कराना है क्योंकि ये तो स्टेबल नहीं है। अब जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वापस से इसमें एंटर करेगा तो ये दो तरीके से बच्चों इसमें आ सकता है। एक केस ये है कि ये अबव द प्लेन, या फिर उसी प्लेन से जहां से कि ये हटा था वहीं से ये क्या करे, ज्वाइन करे, तो उस केस में स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। और एक केस और है जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरी तरफ से ज्वाइन करे, जिस केस में कि दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा वाला केस जो होगा, दूसरे केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस बार बिलो द प्लेन यहां से अटैक करेगा और स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा बन जाएगा।
ये दोनों के दोनों केसेस इसमें पॉसिबल है, ये केस इसको दिखा रहा है, ये वाला केस इसको दिखा रहा है। अब देखिए ज्वाइन करने के बाद जो दो जो कंडीशन बनी उसमें ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल बन गए, एक कंपाउंड से दो अलग अलग कंपाउंड बन गए। अगर ये फॉर्म डी थी तो ये डी और एल दोनों बन गई, अगर ये फॉर्म केवल आर थी तो ये आर और एस दोनों बन गई। तो ऐसे केस को हमने कहा था, क्या कहा था, ऐसा मिक्सचर जिसमें कि दोनों फॉर्म हो उसे क्या कहा था हमने, हमने कहा था रेसमिक मिक्सचर। तो ये एक प्योर सॉल्यूशन होने के बावजूद कुछ देर बाद एक रेसमिक मिक्सचर बना सकता है, ऐसे केस को हमने रेसमाइजेशन कहा था। इसे ऑटो रेसमाइजेशन कह सकते हैं क्योंकि ये स्वतः हुआ है, खुद ब खुद हुआ है, तो ये एक ऑटो रेसमाइजेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, बच्चों आप अपने रिकॉर्ड के लिए देख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो केस हुआ, ये जो एपिसोड पूरा हुआ, इस एपिसोड में दो इवेंट हमने देखे। पहला इवेंट ये कि जो ज्वाइनिंग थी वो सेम डायरेक्शन से थी, ज्वाइनिंग थी वो सेम डायरेक्शन से थी, सेम रिजल्ट भी बना। इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इसे क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और दूसरा केस ऐसा था जिसमें जो मॉलिक्यूल बना वो अपोजिट डायरेक्शन से आने के बाद बना, अपोजिट डायरेक्शन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने जब ज्वाइन किया तब बना, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो इससे जो दो केस पैदा हुए हैं बच्चों, इन दोनों केसेस का नाम क्या है, एक का नाम है रिटेंशन और एक का नाम क्या है, इन्वर्जन। ये दो इवेंट हम लोगों ने यहां पे देखे जिस इवेंट से रिटेंशन और इन्वर्जन हुआ और विद द रिजल्ट दो अलग अलग मॉलिक्यूल बने। मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कुछ देर सॉल्यूशन में रखूं तो सॉल्यूशन में रखने के बाद ये सॉल्यूशन इस तरीके से दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर या रेसमिक मिक्सचर दे सकता है, जिसे कि हम क्या कहेंगे, इसका ऑटो रेसमाइजेशन कहेंगे। और इसके कारण रिटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये दो तरीके के इवेंट हम लोग इसमें देख पाएंगे। बच्चों ये जो एग्जांपल है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको समझाने के लिए केवल आर और एस कॉन्फिगरेशन ही पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम इसे डी और एल नॉमेनक्लेचर में समझे तो डी और एल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में बच्चों ये एग्जांपल आगे जाकर के फंस जाएंगे इसमें एग्जांपल में जाके, क्योंकि डी और एल नॉमेनक्लेचर सिस्टम अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन अटैक को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो थ्री डायमेंशनल सपोर्ट नहीं करता, वो तो केवल टू डायमेंशनल सपोर्ट करता है। वो तो आपको बोलेगा कि जगह यही वाली खाली है, आपको यहीं से आना पड़ेगा, है ना। अगर आप डी एल नॉमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ रहे हो तो वो कहेगा जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके राइट हैंड साइड से हटा तो वो तो जुड़ेगा भी राइट हैंड साइड में, क्योंकि उसके लिए तो वैकेंसी हुई है। मगर हमने देखा कि ये जो कार्बोकैटायन है ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो अटैक दोनों ऊपर या नीचे दोनों में से किसी भी प्लेन से हो सकता है, और विद द रिजल्ट जो दो अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं जिनके बनने के चांसेस 50-50% है। इसलिए जो मिक्सचर है वो 50% डी और 50% एल का, या फिर 50% आर और 50% एस का होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक दूसरे का इनेंसियोमेरिक पेयर बोलेंगे या फिर रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। तो ये बच्चों ये पॉइंट यहाँ पे जो है वो आर एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम की हेल्प से ही समझा जा सकता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इतने बात के साथ हमने आर एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया, और अब हम लोग अपने टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मगर इसकी हेल्प से ही आप लोग कंपाउंड्स के कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन समझते हैं, इसलिए इनको बहुत शॉर्टली हमारे को समझना पड़ेगा, बहुत जल्दी से हमारे को इसको समझना पड़ेगा। देखिए अभी तक हमने एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है जिसको हमने क्या कहा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और हम ऐसे उसको दिख रहे हैं, ठीक है। ए बी सी
डी, मैं हमेशा मॉलिक्यूल्स को ऐसे बनाता जा रहा हूं, आप देख रहे हो, इसको हमने क्या कहा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसमें जिसके अकॉर्डिंग ये जो दो हॉरिजेंटल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ये जो दो हॉरिजेंटल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और ये जो दो वर्टिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल्स को टू डायमेंशनल प्लेन में दिखा रहे हैं, जिनके हिसाब से ये वाले और ये वाले ग्रुप टूवर्ड द व्यूअर है, देखने वाले की तरफ है, और ये दोनों ग्रुप देखने वाले से पीछे की तरफ है। कहने का मतलब आप इसको यूं समझ सकते हैं, मैंने ये दो स्ट्रक्चर, ये दो ग्रुप आपको दिख रहे हैं आगे की तरफ ऐसे, और दो ग्रुप यहाँ पे और हैं जो कि पीछे की तरफ ओरिएंट हो रखे हैं, एक ग्रुप इसको मान ले आप, एक ग्रुप इसको मान ले, तो ये दो पीछे की तरफ और दो आगे की तरफ ग्रुप है। तो जो आगे की तरफ ग्रुप है उनको हमने बी और डी दिखाया हुआ है, और ये डार्क है और ये हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर बनाए गए हैं, और एक वर्टिकल लाइन पे बने हुए जो ग्रुप हैं वो यहाँ पे आप पीछे की तरफ हैं, इनको आप ए और सी से देखते हैं। तो ये तो सिंपलेस्ट तरीका था किसी थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को टू डायमेंशनल या किसी पेपर के ऊपर ड्रॉ करने का, जिसको कि फिशर ने प्रोजेक्ट किया था, है ना। तो इसका नाम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बच्चों पढ़ गया था। मगर ये एग्जाम, ये जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये तो केवल टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, आपको तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करनी है, तो वहां पे ये फॉर्मूला आपका ज्यादा काम नहीं आता, आपको थोड़ा एडवांस मॉडल यूज करना होता है, जिसको हमने क्या कहा था, हमने वेज एंड शेड मॉडल कहा था, और हमने इसको ऐसे दिखाया था, इस तरीके से हमने इसको दिखाया था। तो आप लोगों ने ये मॉडल भी आपने समझा था कि यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है वो टूवर्ड द व्यूअर है, ये पीछे की तरफ है, और ये जो दो नॉर्मल वैलेंसीज हैं इनको आपने वेज एंड शेड मॉडल के अंतर्गत देखी थी, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों जो मॉडल थे, फिशर का प्रोजेक्शन फॉर्मूला और वेज एंड शेड मॉडल, ये दोनों के दोनों मॉडल कॉन्फिगरेशन को समझाने के लिए था, किसी सेंटर के अराउंड, किसी रिजिड सेंटर के अराउंड ग्रुप के अरेंजमेंट को समझाने के लिए था बच्चों, ये ग्रुप के अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो कॉन्फिगरेशनल अगर आप मैटर में बात कर रहे हैं, किन्हीं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इन दोनों मॉडल्स की हेल्प लेनी होती है, ठीक है। मगर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक नेक्स्ट कैटेगरी मिलती है, जिसे कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में आपको एक रिजिड सेंटर नहीं, एक फ्लेक्सिबल सेंटर चाहिए होता है, जिसको दिखाने के लिए सबसे पहले जो मॉडल आया उसका नाम आया बच्चों सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ये सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन एक मॉलिक्यूल्स को दिखाने के लिए आया। देखिए सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में कैसे हैं, इस तरीके से इसका एक प्रोजेक्शन है, ये इस तरीके का कुछ प्रोजेक्शन है, हॉर्स की तरह की आकृति आपको लग रही होगी, तो इसलिए इसका नाम सौ हॉर्स प्रोजेक्शन हो गया। देखिए इस तरीके से ये दो कार्बन जो है, ये दो कार्बन जो है, इन दोनों कार्बन्स को ये दो पॉइंट दिखाया गया है, और इस कार्बन की तीन वैलेंसीज को ऐसे, और इस कार्बन की तीन वैलेंसीज को ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। मान लेते हैं मैं इसको ए बी सी डी E, F ऐसे करके रिप्रेजेंट करता हूं, तो इस तरीके से यहां पे A B C D E F ऐसे इस मॉलिक्यूल को समझा जा सकेगा, ठीक है। और जैसे जैसे रोटेशन होता जाएगा, इनका एक दूसरे से सीक्वेंस चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे, कभी ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए, इस तरीके से ये रिवॉल्व करता जाएगा और डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स को दिखाता जाएगा, ठीक है ना। वो फॉर्म कॉन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स होंगी, कॉन्फिगरेशनल नहीं होंगी, ठीक है। वो क्योंकि ये सेंटर जो है ये एक फ्लेक्सिबल सेंटर है, क्यों ये फ्लेक्सिबल सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए रोटेशन पॉसिबल है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर बॉन्ड सिंगल है तो रोटेशन, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। पर अगर बॉन्ड डबल हो जाए तो ये अब मूवमेंट नहीं हो सकता, जैसा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने देखा था, वहां पे हमारा
दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आने से अलग दोनों फॉर्म्स जैसे सिस और ट्रांस फॉर्म को एक दूसरे पे कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, यहाँ पे फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए इन्हें कॉन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स कहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये फ्लेक्सिबल सेंटर, ठीक है। मैं इसको घुमाऊंगा तो ए की जगह सी, सी की जगह ए आ जाएगा। एक ही मॉलिक्यूल में, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, एक मॉलिक्यूल की दो अलग अलग फॉर्म है बच्चों, इसलिए इस तरीके के मॉडल्स जो हैं ये थ्री डायमेंशनल मॉडल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दिए गए, ठीक है। इसको 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। इसके बाद एक और मॉडल बच्चों जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल आया, उस मॉडल का नाम था न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में बच्चों जैसे मैं ये कार्बन मॉलिक्यूल आपको दिखा रहा हूं, इन कार्बन मॉलिक्यूल्स को आप देखें, इन कार्बन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए इसको हम दो तरीकों से देख सकते हैं। अगर मेरे पास ये कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कार्बन मॉलिक्यूल देखिए है ना, ये कार्बन मॉलिक्यूल है, तो मैं इसको दो तरीकों से देख सकता हूँ। एक तो मैं ऐसे देख सकता हूँ, यहां से देख सकता हूँ, और एक मैं यहां से देख सकता हूँ, दो तरफ से देख सकता हूँ। जब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे पीछे वाले की केवल ये डंडी दिखाई देगी, पूरा का पूरा कार्बन नहीं दिखाई देगा, डंडी मतलब वैलेंसी दिखाई देगी, ठीक है। और जब मैं इधर से देखूंगा तो मुझे इस पीछे वाले की केवल ये वाली डंडी दिखाई देगी, देखिए ये वाली डंडी दिखाई देगी, ये पीछे की कैप नहीं दिखाई देगी आपको, आपको कैप जो है दब जाएगी, आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप का अरेंजमेंट बता रहा हूं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के आने के कारण आप एक तरफ से देखेंगे तो दूसरा कार्बन नहीं दिखाई देगा, और इधर से देखेंगे तो ये वाला नहीं दिखाई देगा। तो इसको दिखाने के लिए न्यूमैन ने एक मॉडल किया, इसमें सेंटर से होते हुए तीन वैलेंसी, देखिए एक तो प्रेजेंटेशन ये है और दूसरा प्रेजेंटेशन क्या है बच्चों इसका, ये वाला कार्बन ये है और ये वाले कार्बन को ऐसे दिखाया जा रहा है। पहले इस तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो ये कार्बन तो दिखाई पड़ेगा ही, उसके अलावा ये तीनों वैलेंसीज भी साफ दिखाई पड़ेंगे, और ये तीनों वैलेंसीज इसके सेंटर से होती हुई जाएंगी, इसलिए इस तरफ से देखते समय अगर हमने यहां से व्यू किया तो हमारे को ये वाला कार्बन ऐसे दिखाई देगा, इसे फ्रंट कार्बन कहेंगे, फ्रंट कार्बन। जबकि जो पीछे रह गया कार्बन उसको रेयर कार्बन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रेयर कार्बन। फ्रंट कार्बन एंड रेयर कार्बन दो पॉइंट इन्होंने दिए, ठीक है। अगर हम यहां से देख रहे हैं, अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये वाला कार्बन फ्रंट हो जाएगा और ये वाला रेयर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको मॉडल दिखाया है, ये यहां पे अगर हम लोग देखिए, ये दोनों एक जैसे कार्बन है, दोनों एक जैसे कार्बन है, इसकी ये वैलेंसी और इसकी ये वैलेंसी है। यहां पे आपने अगर ऐसे में देख रहे हैं तो आप कार्बन भी देख रहे हैं और उसकी वैलेंसी भी देख रहे हैं, मगर ये पीछे वाला जो कार्बन इसमें हमने लगाया है, इस पीछे वाले कार्बन को शायद आप देख नहीं पाएंगे इस व्यू से, मगर आप इसकी वैलेंसी को जरूर देख लेंगे। देखिए इसकी वैलेंसी को देख लेंगे तो केवल वैलेंसी वैलेंसी जब दिखाई देंगी है ना, तो तब आप कहोगे कि ये रेयर व्यू है, रेयर कार्बन एटम है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। इस तरीके से अगर हम इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लें तो हम कंपाउंड को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे, और ये ठीक है। ये जो सेंटर से आती हुई वैलेंसी आ रही है, ये तो देखिए इस वाले में ए बी सी है और इसके लिए ए डस बी डस सी डस है, तो सेंटर से आने वाली वैलेंसी तो ए बी सी है, सेंटर से आने वाली वैलेंसी तो ए बी सी है, सेंटर से आने वाली, सेंटर से आने वाली वैलेंसी तो ए बी सी है, और जो पीछे की तरफ से केवल जो पेरिफ्री से आती हुई, जो उसकी परिधि से आती हुई दिख रही है बच्चों, वो ए डस बी डस सी डस है। तो आप छह की छह वैलेंसी तो देख पाएंगे मगर दोनों कार्बनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप देखेंगे। तो इस तरीके का जो मॉडल दिया है वो मॉडल किसने दिया है,
वो न्यूमैन ने दिया है। अच्छा, तीन तीन वैलेंसीज तो आपने देख ली, और चौथी वैलेंसी कहाँ है? उन दोनों के बीच में है, जो आपको नहीं दिखेगी। चौथी वैलेंसी आपको नहीं दिखेगी क्योंकि आप तो ऊपर से देख रहे हैं, एक तरफ से देख रहे हैं, है ना। तो आपको टोटल मॉलिक्यूल ऐसा नजर आएगा। ये न्यूमैन का प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, और ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला अलग अलग फॉर्म्स को दिखाने के लिए देखिए पॉसिबल है, है ना। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, अलग अलग फॉर्म कैसे दिखाई जा सकती है? अगर मैं इस पीछे वाले कार्बन को घुमाता जाऊं तो ये सी डैश और सी एक दूसरे से अलग 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 डिस्टेंस में आते जाएंगे। देखिए, अगर मैंने पीछे वाले कार्बन को घुमाया तो अब ए बी सी तो अपनी जगह में है, मगर ये सी डैश को इधर लेके आ गया मैं थोड़ा सा घुमा के, इस बी को बी डैश को इधर लेके आ गया, और ए डैश को। देखिए, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, है ना। यानी फिर आपको इसे पेन के मॉडल से बता रहे हैं, आप इसको देखें, एक फॉर्म तो आपको ये दिख रही है इधर से देखने में, है ना। आप इसको यूं करेंगे तो आपको दूसरी फॉर्म दिखाई देगी, ऐसे करेंगे तो तीसरी फॉर्म, ऐसे करेंगे तो चौथी फॉर्म। तो ऐसे ऐसे करके आप इस पीछे वाले को घुमाते रहें और आपको अलग अलग तरीके की फॉर्म दिखती रहेंगी। ये जो फॉर्म है ये इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट होती रहेंगी, ये न्यूमैन का प्रोजेक्शन फॉर्म।